शो शुभारंभ किया एक्ट्रेस महिमा मखवाना ने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट शेयर करते हुए कहा कि उन्हें अचानक सीने में दर्द से गुजरना पड़ा है, जिसके बाद उन्होंने अपनी जांच करवाई है और अब वो रिपोर्ट आने का इंतजार कर रही हैं। उनका कहना है कि फिलहाल वे अपने घर पर ही हैं और आराम कर रही हैं। अपनी पोस्ट में महिमा ने ये बताया कि कैसे कोरोना वायरस यानी कोविड-19 ने मानवता और दया को भी खत्म कर दिया है। इस जरूरत के समय में भी लोग बचे हुए दिखाई दे रहे हैं। उन्होंने अपने इस दर्द को इंस्टा स्टोरी के जरिए लोगों को बताया है। बता दें, महिमा मखवाना ने सोशल मीडिया यानी इंस्टाग्राम पर अपनी एक स्टोरी शेयर करते हुए लिखा, क्या कोरोना वायरस ने हमें एक करने के बजाय बांट दिया है? क्या कोरोना वायरस ने सारी मानवता और इमोशंस को हमसे खत्म कर दिया है कि हम कुछ और सोच ही नहीं पा रहे हैं? इस सुबह मैं अचानक सीने में हुए दर्द के साथ उठी, मैंने अनदेखा किया और काम के लिए चली गई। ये अचानक हुआ और बढ़ता चला गया, जिससे मुझे घबराहट होने लगी। महिमा ने बताया कि उनकी तबीयत थोड़ी सी खराब क्या हुई कि लोगों को लगा कि वो कोरोना पॉजिटिव है, जिसके कारण लोग उनसे दूरी बनाने लगे। वह आगे कहती हैं, लेकिन मुझे जिस चीज़ से सबसे ज़्यादा दुख हुआ वो ये है कि कुछ लोग जो मेरे आसपास थे, वे ये सोच रहे थे कि मैं कोरोना पॉजिटिव हूँ, वो मुझसे दूरी बनाने लगे, उनके व्यवहार में अचानक चेंजेस देखने लगे। एक ऐसा समय में जब हमें सबसे ज़्यादा दूसरों की ज़रूरत मानवता की होती है, आप नहीं जानते कि आपके ऐसा करने से किस पर क्या पर असर पड़ता है। महिमा ने अपनी पोस्ट में कहा, जो आपके बुरे वक्त में आपके साथ हों, उसे पकड़ कर रखिए, उनकी वैल्यू करें और उन्हें प्यार दें। कुछ एक्शन शब्द से भी ज़्यादा लाउड होते हैं। फिलहाल मैं घर पर हूँ, आराम कर रही हूँ, धैर्य के साथ अपनी रिपोर्ट आने का इंतजार कर रही हूँ। आपको बता दें, महिमा मखवाना कलर टीवी पर आने वाले शो शुभ आरंभ में नजर आ चुकी हैं। इस शो में लोगों ने उन्हें काफी पसंद किया। महिमा ने जी टीवी के शो सपने सुहाने लड़कपन से अपने टीवी सफर की शुरुआत की थी। जी हाँ, जैसा कि आपने जाना कि किस तरीके से महिमा मखवाना ने उनके आसपास हो रहे लोगों के बदलाव के बारे में बताया और कहा कि कोरोना वायरस की वजह से लोग कितना बदलते जा रहे हैं। तो चलिए दिखाते हैं आपको महिमा के कुछ वीडियोस और साथ ही साथ महिमा की कुछ तस्वीरें और उनका ये पोस्ट। ऐसे ही तमाम खबरों के लिए देखते रहिए IBN भारत।